hello everyone in this web engineering lecture series today we will see the 10th lecture on javascript and the topic for today's lecture is document object model it is most commonly known as dom that is dom document object model now with the help of document object model with the help of dom you can add you can add dynamic content to your वेब तो DOM को यूज करके आप अपने वेब पेज पे एक स्टैटिक वेब पेज के ऊपर डायनेमिक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं तो DOM करता क्या है DOM रिप्रेजेंट्स द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट तो अगर हम कहते हैं और तो अगर हम कहते हैं कि विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अब क्या है कि डॉम क्या पूरे एच डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट इज़ नथिंग बट इट इज सेम एज सिंपल डॉक्यूमेंट इट इज़ अ रूट एलिमेंट डॉम इज़ अ रूट एलिमेंट एंड हैज प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मैथड्स हैं जो हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं ये तो एक एच टी एम एल डॉम के मैथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं मेथड्स क्या होते हैं मेथड्स आर द एक्शंस यू कैन परफॉर्म आर द एक्शंस डेट यू कैन परफॉर्म ऑन एच टी एम एल एलिमेंट्स कुछ मेथड्स हैं डॉम के जो हम देखेंगे अभी आगे लेक्चर में उन मेथड्स को यूज करके आप सॉरी उन मेथड्स को यूज करके आप एच टी एम एल एलिमेंट के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो और जो प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर द वैल्यूज ऑफ एच टी एम एल एलिमेंट दैट यू कैन सेट एच टी एम एल एलिमेंट की वैल्यूज जिसको हम सेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज तो ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है डॉम जिसको यूज करके हम अपने उसमें डायनेमिक कंटेंट ऐड करते हैं अब एच टी एम एल डॉम जो एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में काम करता है वो हम देखेंगे एक बेसिक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है टॉप पे है हमारा डॉक्यूमेंट ऑन द टॉप वी हैव द डॉक्यूमेंट देन द रूट एलिमेंट इज एच टी एम एल एच टी एम एल जो टैग है हमारा दैट इज द रूट एलिमेंट उसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक हेड

एंड दीज आर द सब एलिमेंट्स ऑफ डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ये जो आपके आए हैं यहाँ पे टाइटल एच वन और पी इनके कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टाइटल का आप क्या कर सकते हो आप इसका टैक्सट सेट कर सकते हो सिमिलरली एच वन इज़ यूज एज हेडर और ये आपका है पैराग्राफ इसमें आप कुछ भी कंटेंट को एड कर सकते हो डिस्प्ले करने के लिए तो ये बेसिक हमारा एच टी एम एल डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है अब एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एच टी एमल डॉम को यूज़ करके हम कैसे डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हैं मैंने एक बहुत बेसिक सा एक यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी एम एल बॉडी देन पैराग्राफ और एक स्क्रिप्ट है अब पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ वो मुझे शो होगा बट मैं चाहता हूँ कि ये जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से सेट हो जो पैराग्राफ की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे पैराग्राफ को आईडी दे देते हैं सपोज वन तो मैंने पैराग्राफ को आईडी दे दिया पी वन और इसकी वैल्यू कुछ भी यहां पे सेट नहीं करी है अब मैं उस वैल्यू को कहां पे सेट करूंगा स्क्रिप्ट के अंदर तो उसको कैसे करेंगे देखिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पे जाना है आपको रूट पे देन गेट एलिमेंट बाय आई डी ए के है जो आपको कॉल करना है गेट एलिमेंट बाय आई डी और आईडी कौन सा यूज करेंगे हम पी वन तो अब इसमें क्या आ गया इसमें इस पैराग्राफ इस का इंस्टेंस आ गया सपोज जो हमारा आईडी था पी वन और वैल्यू सेट करने के लिए डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू ई सी फॉर एग्जाम्पल तो नाउ वॉट विल हैपन इज द वैल्यू ई सी विल बी सेट इन दिस प्लेस और ये वैल्यू हमने किससे सेट करी बेस्ड ऑन द आई डी ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट तो ये बेसिक एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम डी ओ एम को यूज करके डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते अपने वेब पेज के ऊपर नाउ देर आर सर्टन मैथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस द फर्स्ट इज राइट एंड द पैरामीटर एट इज पास स्ट्रीम

जावा के अंदर सिमिलरली इसमें राइट एल एन देन गेट एलिमेंट बाय आई डी इट रिटर्न द एलिमेंट हैविंग द गिवन आई डी वैल्यू इट रिटर्न द एलिमेंट बाय गिवन आई डी वैल्यू जैसे हमने अभी पीछे देखा था जिसमें हमने पैराग्राफ का आई डी यूज किया था देन वी हैव गेट एलिमेंट्स बाय नेम इट रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम सो इट रिटर्न ऑल एलिमेंट्स विद द गिवन नेम जितने भी एलिमेंट्स है जिनका नाम सेम है वो सबको रिटर्न करेगा सिमिलरली गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स विद द गिवन टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इंस ऑल द एलिमेंट्स विद द गिवन क्लास ने तो इन सबको यूज़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक फॉर्म की वैल्यू को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉम तो प्रोग्राम क्या है ये द प्रोग्राम इज लाइक दिस सपोज एक टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई और एक बटन है हमारे पास इस बटन पे लिखा हुआ है आपका सबमिट तो अब यूजर यहां पे जो भी टेक्स्ट वैल्यू को एंटर करेगा उस वैल्यू को हम सेट करना चाहते हैं और वो सेट करना चाहते हैं सपोज हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर तो एक पैराग्राफ टैग सपोज हमने यहां पे बना रखा है इसके अंदर हम किसको सेट करना चाहते हैं जो वैल्यू यूज़र यहां पे एंटर करेगा तो देखिए उसके लिए कैसे लिखेंगे पहले हम एच का पार्ट लिख, लिखते हैं एक मैंने बनाया फॉर्म उसका नाम रखा एफ वन उसके बाद सपोज मैंने लिखा नेम ये टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं अब हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट और इसका जो नेम है मैंने सेट कर दिया नेम एक टेक्स्ट फील बनाई और उसका नेम मैंने सेट कर दिया नेम देन वी विल क्रिएट अ बटन सो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन ऑन क्लिक पे एक फंक्शन हम कॉल करेंगे सपोज द नेम ऑफ द फंक्शन इज एफ वन और इसकी जो वैल्यू हमने रखी है इस बटन की वो रखिए सबमिट तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया सपोज फॉर्म यहां पे हमने इस फॉर्म को क्लिक बंद कर दिया एंड देन वी हैव अ पैराग्राफ एयर विद द आईडी पी वन और इस पैराग्राफ के अंदर मैं कौन सी वैल्यू सेट करना चाहता हूं जो यूजर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसका कोड अब देखते हैं हम जावा के अंदर कैसे लिखेंगे क्रिएट ए फंक्शन एफ वन इन दिस फंक्शन क्रिएट वन वेरिएबल वेर आई अब देखिए मुझे तो किसे एक्सेस करना है आई एक्सेस दिस थिंग तो मैं क्या करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रूट पे जाएंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट एच टी एम के नीचे कौन सा मेरे पास अभी फॉर्म तो डॉक्यूमेंट डॉट एफ वन डॉट किसका लेना है मुझे नेम का सो एफ वन डॉट नेम और इसकी वैल्यू तो अब क्या होगा जो भी यूजर इधर एंटर करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा आई के अंदर देन व्हाट आई कैन डू इज

इक्वल्स टू क्या वैल्यू सेट करेंगे अब हम आई सो आई सो ना दिस इज दिस इज डन अब इसमें हमने में देखिए क्या क्या करा है जैसे ही ये बटन क्लिक होगा क्या कॉल होगा आपका दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड इधर से क्या आएगा आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी जो भी यूजर यहां पे एंटर करेगा सपोज यूजर ने एंटर किया था यहां पर ई सी तो वो आई के अंदर क्या रिटर्न करेगा हम ई सी उसको हमने एक्सेस कैसे किया था डॉक्यूमेंट रूट डॉट कौन सा एलिमेंट है एच टी एम एल का एफ वन सो एफ वन देन एफ वन का कौन सा एलिमेंट नेम सो नेम और उसकी जो वैल्यू सेट करिए तो आई के अंदर आ गया ई सी अब मुझे सिक्सपी सेट करना है पी वन में तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी दिस वन पी वन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू आई अब जब आप इस बटन को सेट करोगे ई ई की वैल्यू कहां पर सेट हो जाएगी इस स्पेस में इस पूरे इसकी जगह अब सेट हो जाएगा हमारा ई सी सो दैट इज हाउ यू कैन यूज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग दैट इज डॉम फॉर डायनेमिक कंटेंट इन एच थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर टूटोरियल ऑन वेब इंजीनियरिंग एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स Thank you.